दंतेवाड़ा के लोगों में छठ पूजा को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। बता दें कि दंतेवाड़ा में माई दंतेश्वरी मंदिर के पास डंकिनी नदी के तट पर सीआरपीएफ के 111 बटालियन के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी, जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर अपनी पूजा विधि विधान से संपन्न की। वहीं छठ पर्व के तीसरे दिन रविवार शाम को सुहागनों ने डूबते सूरज को अर्घ देकर छठी मैया का आशीर्वाद लिया। साथ ही आज सुबह कमर तक जल में खड़े होकर उगते सूर्य को जल अभिषेक कर छठ पूजा का प्रविधिवत उत्साह मनाया एवं अपने घर परिवार एवं समाज की सुखद व उज्जवल खुशहाली जीवन के लिए प्रार्थना की। पूजा का विधि विधान बहुत कठिन है, जिसको कर पाना एक मतलब वरदान की तरह है, जो हर कोई नहीं कर पाएगा। ये आपको 2 दिन पहले से ही चालू हो जाता है, जिसमें पवित्रता से बड़ी इसको किया जाता है। खुद से गेहूं साफ किया जाता है, उसे पिसाया जाता है, बड़ी सफाई से इसकी पूजा का विधि विधान होता है, जो कि 2 दिन पहले ही गेहूं वगैरह साफ करके उसको पिसवा के फिर उसका प्रसाद बनाया जाता है। शाम को आपको जब वो होता है, नहाए खाए का कार्यक्रम होता है, जिसमें शुद्ध खाना ही खाया जाता है। अरवा चावल होता है, आपको कद्दू की सब्जी होती है, अरवा दाल होता है, इसी सब से नहा के महिला या पुरुष जो भी व्रती है, नहा धोने के बाद पूजा पाठ करने के बाद शुद्ध पकवान खाते हैं। क्या प्रतिफल मिलता है इस व्रत को करने से? इसका प्रतिफल का तो कोई सीमा नहीं है, जो भी कर लेता, मैं नहीं समझती उसका व्रत पूरा न होता हो, वो जो भी मांगते हैं सब पूरा होता है। छठ का यही तो बड़ा बहुत बड़ा महिमा है।